शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। शहजादे के नामांकन से पहले जो बीजेपी कांग्रेस खासकर राहुल गांधी की चाल को लेकर बेचैन थी, वही बीजेपी अब राहुल की रायबरेली वाली चाल की काट ढूंढने में लगी है, क्योंकि सियासी जानकारों की माने तो अगर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से सांसद बन गए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। ऐसे में बीजेपी खेमे में इस बात को मंथन चल रहा है कि कैसे राहुल को अमेठी की तरह रायबरेली से भी भगाया जाए, यानी उन्हें रायबरेली में कैसे हराया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ही रहते हैं। ऐसे में राहुल का जो सियासी कद वायनाड जाने पर और अमेठी छोड़ने पर बीजेपी ने कमतर करने की कोशिश की थी, वो कद रायबरेली सीट जीतने पर राहुल को दोबारा मिल जाएगा। इसीलिए तो बीजेपी ने कहा है कि नेता राहुल पर इन दिनों हमलावर हैं, उन्हें सियासी पप्पू साबित करने में लगे हैं। ऐसा नहीं कि अमेठी से भागने पर सिर्फ बीजेपी ही राहुल गांधी पर हमला कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम रायबरेली से लड़ने के राहुल के फैसले को गलत बता रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं कि राहुल को अमेठी से ही लड़ना चाहिए था। रायबरेली 1952 से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, पहले फिरोज, फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी यहां की विरासत संभाली है। इसीलिए रायबरेली को बचाना कांग्रेस की प्राथमिकता भी है। इसीलिए रायबरेली के लोगों को ये मैसेज देना कि वहां के लोगों का कांग्रेस नहीं छोड़ना है, इसीलिए एक तरफा पीएम मोदी और बीजेपी राहुल को मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे वास्तव में विरासत बता रही है। रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रायबरेली से नामांकन भरना भावुक पल था, माँ के भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है। अमेठी और रायबरेली उनके लिए अलग अलग बिल्कुल नहीं है, दोनों ही परिवार हैं, लेकिन रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश सिंह को विश्वास है कि इस बार रायबरेली की जनता राहुल को सबक सिखाएगी। दरअसल रायबरेली से राहुल के नाम के ऐलान के बाद से ही पूरी बीजेपी राहुल पर हमलावर है। राहुल की टीम के सूत्रों के माने तो राहुल के वोट मार्जिन को बढ़ा रहा है। राहुल की टीम का मानना है कि जितना प्रचार बीजेपी के नेता राहुल के लिए कर रहे हैं उतना तो वो खुद भी नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान के एक नेता का राहुल के फेवर में दिए गए बयान को लेकर भी इन दिनों राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि राहुल को पाकिस्तान से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कुछ भी कहें, ये राहुल के राजनीतिक कद और सियासी रसूख की अग्नि परीक्षा है कि वायनाड से विजय हो और रायबरेली का राज कायम रहे, वरना मरणासन तक पहुंच चुकी कांग्रेस की आखिरी संजीवनी भी सूख जाएगी। ये थी हमारी खास पेशकश, दीजिए विदा, नमस्कार।